उपस्थित सभा, सज्जनों, देवियों, बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मेरे हाथों यहाँ पे दो वृक्ष लगाए गए। दरअसल जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ही पौधे भी सांस लेते हैं, फर्क इतना है कि हम चलायमान हैं ये स्थिर है। हमारे जीवन में वृक्षों का होना अत्यंत आवश्यक है, ये पर्यावरण को संतुलित करता है। ग्लोबल वार्मिंग का एक खतरा मंडराने लगा है, उसका एक कारण यही है कि हमने संतुलन जो हमें बनाना चाहिए था हमने नहीं बनाया। बजाय नेचुरल जंगल के कंक्रीट जंगल बढ़ते चले जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो गया है और पहाड़ों पे बर्फ पिघलने लगी है, मैदानों में बाढ़ आने लगी है। अगर ये पर्यावरण का संतुलन हम कायम नहीं रख पाए तो निश्चित रूप से प्रकृति अपने को इस एग्जिस्टेंस में रखने के लिए कोई विनाश करेगी। उस विनाश से बचने के लिए आवश्यक है कि हम इस संतुलन को कायम रखें। ये यहाँ हमने दो पेड़ लगा दिए, ये एक समारोह है, लेकिन आप सब लोगों को जानना चाहिए कि पेड़ अगर यहाँ जितने बच्चे हैं अगर एक एक पेड़ भी जाके अपने मोहल्ले में लगाएंगे, आसपास लगाएंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम। आप अगर उससे लगाव रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेड़ एक साल के बाद ऐसा हो गया, दो साल के बाद ऐसा हो गया, एक लगाव उसके साथ पैदा करें। और जब आप देखेंगे 5-7 साल के बाद, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप देखेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा गर्व होगा और बड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी कि इस पेड़ को हमने लगाया, ये देखो कितना बड़ा हो गया। जैसे माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को बड़ा होते देखते हैं और उनकी ज़िंदगी कट जाती है, जब बच्चों की शादियाँ हो जाती तब उन्हें खोश आता है कि अरे इतना समय कैसे गुजर गया, तो बच्चों को बड़ा होते देखने में गुजर जाता है। ऐसे ही आपका जीवन एक पेड़ को बड़ा होते बीते, ये बहुत सुकून की बात है। आप देखेंगे कि अब आगरा में, चूँकि मैं 2 साल हुए मुझे आए हुए, आगरा में पेड़ों की बहुत कमी है, पेड़ों से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो तक संतुलित होता है। बेहतर ये होगा कि हमें वो पेड़ लगाने चाहिए जो देसी फलदार, जामुन के हुए, आम के हुए, अगर देसी पेड़ आप लगाएंगे तो उनसे जो पर्यावरण है वो अच्छा रहता है। शो वाले भी पेड़ लोग लगाते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हमें देसी पेड़ लगाने चाहिए, नीम लगाना चाहिए, पीपल लगाना चाहिए, पिलखन लगाना चाहिए, बरगद लगाना चाहिए। इस तरह के पेड़ हमारी ज़मीन उनको ग्रहण करती है, उनकी पैदावार, उनकी जो उपज है, वो जो बढ़ाव है उसका, वो बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो इसी ज़मीन के पेड़। तो मेरा अपना ये कहना, अच्छा पेड़ जब हो जाते हैं तो ये कार्बन को सोखते हैं, आपके वातावरण में जो भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जो फैक्ट्रीज हैं इनके धुएं हुए जितने भी हैं, अगर आपके यहाँ वन अच्छे हो जाएंगे, पेड़ ज़्यादा हो जाएंगे, तो भी अपने आप में वातावरण संतुलित रहेगा। तो इसको ये नहीं मानना चाहिए, मैं भी आप ही की तरह का विद्यार्थी था, मुझे भी उस वक्त कुछ समझ में कम आता था, लेकिन हमारे टाइम में और तुम्हारे टाइम में ये फ़र्क है कि तुम लोग इस वक्त इंटरनेट के लोग, हर कोई इंटरनेट में लगा हुआ है, मोबाइल में देख रहे हैं, तो जो चीज़ सिर्फ देखने तक सीमित है उसको प्रैक्टिकल करके देखो, बहुत ज़रूरी है। आज आप अगर अपने घर जाएं, आसपास के वातावरण में कहीं भी एक पेड़ इस तरह से लगाएं संकल्प के साथ कि मुझे इसको बड़ा करना, तब तो ये समारोह या मेरे ये दो पेड़ लगाने तब तो सार्थक होंगे, अगर आपने इससे कोई शिक्षा ग्रहण की, वरना ये महज एक समारोह बन के रह जाएगा और आप इससे अगर कोई प्रेरणा नहीं ले रहे हैं तो ये बड़ा दुखद होगा। इसको सुखद बनाने के लिए क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि आप सब लोग एक एक पेड़ लगाएंगे? अगर हाँ है तो जवाब दें हाँ। आप लोग पेड़ लगाएंगे? देसी पेड़ लगाएंगे? देसी पेड़ लगाएंगे? देखिए
कितना बढ़िया लगता है, कितना मज़ा आता है जब हमारे घर पे कहीं पे एक आम का पेड़ लगा हुआ, गर्मी में उसमें अमियाँ आई, आपने उसको तोड़ने का प्रयास किया, वो पकने लगी, इस तरह के पेड़ लगा, एक जामुन का पेड़ लगा, एक बेर का पेड़ लगा, ऐसे फलदार पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। और मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि इस चीज़ को समझें, और बहुत आसान है अगर सब लोग एक साथ सम्मिलित होकर के कहीं पे कोई सघन वन लगाएं, चलो अपने घर के सामने ही एक पेड़ लगा दें, लेकिन उसका रक्षा करना लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी देखभाल करना। इस संकल्प के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस समारोह को वास्तव में सार्थक और सफल तभी माना जाएगा जबकि आप इससे प्रेरणा लेंगे और कोई पेड़ लगाएंगे, उसको बड़ा करते हुए देखें। धन्यवाद, थैंक यू।